यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकार दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन
忘记路边子，阿妹，阿妹，俺家一岁干的妹，一般记录不妹，俺包个生的阿妹呢。शांति।
मुरली का सार है मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, बाप सर्वशक्तिमान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? उत्तर है, बाबा कहते, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है, इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। बाप को पिया कहा जाता है। बाप पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे, यह तो समझने की बात है। जब कोई बात नहीं समझते हैं तो कहा जाता है, तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। अब पारसनाथ तो नामी ग्रामी है, पारसनाथ पारस बनाते हैं, पत्थर कौन बनाते हैं? पत्थरनाथ बनाने वाला रावण को कहा जाता है। तुम हो राम संप्रदाय, तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बनते जाते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कैसे बने? जरूर कोई बनाने वाला है। जिसने पारस बुद्धि तो बनाया, परंतु इसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में, कोई दास दासी बनेंगे, कोई फिर प्रजा में साहूकार बनेंगे। है सारा पुरुषार्थ पर। जरूर परमपिता परमात्मा को ही पारसनाथ कहेंगे। कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। निराकार बाप की ही महिमा है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान सुनाने के लिए उनको शरीर जरूर चाहिए। जो संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार कर्म करने लिए शरीर तो चाहिए ना। वह तो है निराकार परमपिता परमात्मा, उनकी बड़ी भारी महिमा है। सबका बाप एक निराकार, परंतु वह भी तो आत्मा है ना। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा कहती है, यह मेरे बच्चे हैं। बाप ने समझाया है, मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनमें आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। अच्छा, न भी पूछे, ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना। समझो किसका पति मर जाता है तो कहते हैं, मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ। अच्छा, तुम्हारा पति तो मर गया, फिर किसको बुलाएंगी? आत्मा को वा शरीर को? समझ की बात है ना। जरूर आत्मा को बुलाएंगी ना। शरीर तो खत्म हो गया, ब्राह्मण को खिलाते हैं, गोया ब्राह्मण में प्रवेश कर आत्मा खाती है। अब
क्या सबूत है जो मर गया उसकी आत्मा आती है? आती तो ज़रूर है, आत्मा आकर बोलती है। उनसे पूछते हैं फलानी चीज़ कहाँ रखी है, तो बतलाती भी है। तो ज़रूर समझते हैं कि हम पति की आत्मा को खिलाती हूँ, पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ, ब्राह्मण को नहीं देखते। जैसे कि पति के नाम रूप को देखकर माथा टेकते हैं, वह नाम रूप तो भस्म हो गया तो वह शरीर भी याद आता है। ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरे की आत्मा आई है, यह महसूस होता है। अब आत्मा आई तो ज़रूर विश्वास रखना पड़ता है ना? तुम बच्चों को भी समझाया जाता है कि परमपिता परमात्मा है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, तो वर्षा कैसे देवे? तो ज़रूर शरीर का आधार लेना पड़े। पहले तो बरोबर निश्चय चाहिए कि परमपिता परमात्मा है, वह इन द्वारा वर्षा देने आया है। प्रेरणा से तो नहीं देंगे, उनको तो आकर पढ़ाना है। ज्ञान सागर है ना, यह समझने की बातें हैं। जिसकी तकदीर में भविष्य ऊंच प्रारब्ध नहीं है तो वह समझ नहीं सकेंगे। इनकी आत्मा कहती है कि मैं ज्ञान सागर नहीं हूँ, वह परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, परंतु मैं निराकार ऊपर से बैठ प्रेरणा से कैसे पढ़ाऊँ? ऐसे तो कभी पढ़ाई होती नहीं। प्रोफेसर घर बैठ जाए तो प्रेरणा से पढ़ा सकेंगे क्या? ज़रूर स्कूल में आना पड़े ना। परमपिता परमात्मा भी घर में रहकर तो नहीं पढ़ाएंगे ना। प्रेरणा से चित्र थोड़े ही समझाया जाता है। यह चित्र भी शिव बाबा ने निकलवाया है, फिर खुद ही आकर समझाते हैं कि मैंने ही निकलवाए हैं। यह यानी ब्रह्मा तो जानता ही नहीं था। मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर बनवाए हैं। करण करावन हार बाप है। पहले बाप समझाते हैं कि मैं हूँ तुम आत्माओं का बाप, नहीं तो तुम बच्चों को वर्षा कैसे मिले? मंदिर भी बरोबर है, इनकी आत्मा का मंदिर है, बाकी सब जीव आत्माओं के मंदिर है, क्योंकि जीव आत्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा नहीं आता है, तो उनका रूप निराकार ही रखा है। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। यह बाबा भी कहते हैं मैं भी सीख रहा हूँ। अब इसमें प्रेरणा व शक्ति की तो बात नहीं है। अगर कोई कहे कि शक्ति आती है तो वर्षा कैसे मिलेगा? यह बाप तो कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। भगवान वाच है तो ज़रूर शरीर में आना पड़े। ऐसे नहीं कि इनमें शक्ति है,
यहाँ तो पढ़ाई की बात है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, फिर मुझे टीचर भी बनना पड़े, सबको प्रेरणा कैसे दूँ, फिर तो सबको एक जैसा पढ़ाना पड़े, यह तो राजधानी स्थापन हो रही है, कोई को दास दासी बनना पड़े, कोई को प्रजा बनना पड़े, कोई भी अगर पूछना चाहते हैं तो बाबा से पूछ सकते हैं, हम कहाँ तक लायक बने हैं, सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दास दासी बनेंगे, अगर हम इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे, बाबा से आकर पढ़े तो बाबा पढ़ाई के अनुसार बता सकते हैं, स्कूल में बच्चे मास्टर को कहेंगे कि मास्टर जी हम कितने मार्क्स से पास होंगे, मास्टर अबाउट बता देगा कि तुम पूरा पढ़ते नहीं हो, इसलिए इतने मार्क्स कैसे मिलेंगे, खुद भी समझेंगे कि बरोबर हम पूरा पढ़ता नहीं हूँ, हरेक की दिल बोलेगी, बेहद का बाप भी बता सकते हैं, कोई को तो बाबा कहते हैं तुम बहुत अच्छा फूल हो, विजय माला में तुम इतने नंबर में आ सकते हो, इस समय के अनुसार, क्योंकि चलते चलते गिर भी पड़ते हैं ना, बाबा के बहुत बच्चे देखो आज है नहीं, क्योंकि श्रीमत पर न चले और काम के वश व देह अभिमान के वश हो गए, कोई लोभ मोह के वश हो गए, माया ऐसी है जो चोरी भी करा देती है, यह सब माया कराती है, कहते हैं ना कि कख का चोर सो लख का चोर, कोई कोई में बुरी आदतें होती हैं, कोई में काम की आदत होती तो यह भागा, वह यहाँ ठहर न सके, लोभवश चोरी भी कर लेते हैं, माया चोरी कराती है, माया की प्रवेशता है ना, पहले नंबर देह अभिमान को छोड़ते नहीं, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है, तुम देही अभिमानी बनो, कोई तो दो तीन मास में देही अभिमानी बन जाते हैं, कोई फिर 25 वर्ष में भी नहीं बनते, एक ही कोर्स बहुत बड़ा है जो 50-60 वर्ष चलता है, पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाले टीचर को न जाना तो पढ़ेगा क्या, इस बाबा को जानने से तो शिव बाबा को भी जाने, जिसके साथ बुद्धि योग लगाना है, हमें विश्व का मालिक बनना है, सो कोई मनुष्य तो नहीं बनाएंगे, जब तक निश्चय नहीं हुआ है तब तक गोया कुछ भी नहीं समझा है, 20-25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं बैठा है, हिलते रहते हैं, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय, बाबा समझाते हैं, तुम गॉड फादर कहते हो तो तुम आत्माएं उनके बच्चे ठहरे, वह तुम्हारा बाप है, सब लिखो कि हाँ हमारा
एक वही गॉड फादर है। फादर से वर्षा मिलता है स्वर्ग की राजधानी का, तो ज़रूर राजयोग सिखाया होगा ना। बाप ही सिखलाएंगे, जब तक बाप पर पूरा निश्चय नहीं है तो समझो वह स्वर्ग के लायक नहीं है। बाप को ही नहीं जानते तो वर्षा कैसे पाएंगे। बाप तो आते हैं वर्षा देने, परंतु लेते नहीं, क्योंकि भाग्य में नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। पहले पहले बाप को तो जानो। निराकार बाप परमपिता परमात्मा है ना, वह आकर पढ़ाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है, उनको राजयोग सिखलाना है। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। टीचर घर में बैठ पढ़ाए, यह तो इम्पॉसिबल है। बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ, मेरा मंदिर भी है। निराकार तो कुछ कर न सके, इसलिए शरीर लेना पड़ता है। नहीं तो मेरे में जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है वह मैं सिखलाऊँ कैसे। ज़रूर तन में आना पड़े। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, एक दो को लेकर आते रहते हैं। जो देवी देवता धर्म का होगा उसका ही सैपलिंग लगेगा। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन्हों का ही कलम लगता है। ब्राह्मणों का पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। तो रूहानी बाप और जिस्मानी बाप भी है। तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो और ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। फिर जिस्मानी भी ब्राह्मणों का बाप है, जिससे यह ब्रह्मा कुमार कुमारिया निकले। तुम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोतरे हो। वर्षा उनसे मिलता है, यह भी समझ की बात है। बाबा से कोई भी बच्चा पूछे कि मैं किस पद को पाऊंगा तो बाबा बता देंगे। कोई नए नए को ले आते हैं, बात मत पूछो। एक बार मिलने से ही तीर लग जाता है। कैसे अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं, बाबा फलाने ने ऐसी अच्छी बातें सुनाई जो पक्का निश्चय हो गया है। अब आप आए हो, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा से कभी मिले भी नहीं है तो भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं, तो समझा जाता है यह सिकिलधा बच्चा है। सैपलिंग अच्छा है, झट समझ जाते हैं। श्रीनगर का सेंटर खुला, वहाँ के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा है। बस अब तो मिलने लिए अट्रैक्शन रहती है, सिर्फ यह बंधन है। कारण भी लिख देते हैं, जो देवता धर्म के होंगे वही आएंगे, जो श्री कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वही ब्रह्मापुरी में आएंगे। ब्रह्मपुरी नहीं, कोई कोई ब्रह्म कुमारी लिखते हैं, यह तो रॉन्ग है। ब्रह्म तो तत्व है, उसकी कुमारी कैसे होगी। प्रजापिता ब्रह्मा तो
मशहूर है। प्रजापिता तो यहाँ ही होगा ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारिया अर्थात परमपिता परमात्मा शिव की शक्तियाँ, शक्ति मिलती है शिव बाबा से, इनकी यानी ब्रह्मा की आत्मा से नहीं। तो याद शिव बाबा को करना है, इससे ही हम पतित से पावन होंगे। इस समय तो सभी पाप आत्माएं हैं, सभी का जन्म विकार से होता है। यह बातें कोई झट समझ जाते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। भगवान को भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी और सतगुरु भी हूँ। सभी को वापिस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए लिबरेटर भी कहते हैं। सो प्रेरणा से थोड़े ही लिबरेट करेंगे। स्कूल में भी वृद्धि होती है, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाप को भूले। आखिर भूलते भूलते पुरानी दुनिया में ही चले जाते हैं, फिर ज्ञान का कुछ भी नहीं रहता है, बस सौदा कैंसिल। बाप को जो दिया वह वापिस ले लेते हैं, बुद्धि का ताला एकदम बंद हो जाता है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। सुनने वालों के नैन चैन से ही मालूम पड़ जाता है इनको कहाँ तक धारणा होती है, ऊंच पद पा सकेंगे वा नहीं। बाबा झट समझ जाते हैं कि यह समझने वाला है या नहीं, या बुद्धि योग कहा भटकता रहता है। नब्ज देखी जाती है, नब्ज देखने वाला भी होशियार चाहिए। मंजिल है बहुत भारी, तुम झट समझ जाएंगे यह उठ सकेगा वा नहीं। नंबर वार तो है ना, भल यह ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रा यानि बड़ी नदी है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे। सरस्वती भी होशियार है, उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तहान हो जाता है। इस पढ़ाई का इम्तहान अभी नहीं होना है, जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम जीवी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक नंबर, किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो उल्टा कर्म नहीं करना है। देह अभिमान की आदत को छोड़ दे, देह अभिमान की आदत को छोड़ देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। दो नंबर, निश्चय में कभी भी हिलना नहीं है। जब तक जीना है
पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, वरदान है करावन हार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह, जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो यही गीत गाते रहे, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वह भी करावन हार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। सदा स्मृति रहे बाप करावन हार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। स्लोगन है, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और बाप समान बनने की पूरी कोशिश करो, समय कम है। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।